हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ कृतिका। सुशांत की मौत वाले दिन रिया चक्रवर्ती ने इस शख्स को किया था 2 बार फोन। अगले दिन भी 5 बार की थी रिया ने इस शख्स को कॉल। कौन है वो शख्स और क्यों किया था रिया ने कॉल, चलिए आपको बताते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच कर रही सीबीआई को भी इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि इस मामले में इतनी सारी परतें हैं। हर दिन इस केस में नए खुलासे जांच एजेंसी के लिए एक चुनौती बनते जा रहे हैं। डिप्रेशन नेपोटिज्म को पीछे छोड़ते हुए अब ये मामला ड्रग माफिया तक जा पहुंचा है, लेकिन इन सभी कड़ियों में एक नाम कॉमन है और वो है रिया चक्रवर्ती का नाम। खुलासा हुआ है कि सुशांत की मौत वाले और उसके अगले दिन रिया ने एक शख्स से कई बार फोन पर बात की थी। कौन था वो शख्स, चलिए आपको बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिया की कॉल डिटेल से पता चला है कि सुशांत की मौत वाले दिन 14 जून को रिया ने टैलेंट मैनेजर जया साहा से 2 बार फोन पर बातचीत की थी, जबकि सुशांत की मौत के अगले दिन यानी कि 15 जून को रिया ने जया को 4 बार कॉल किया था। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि सुशांत की मौत से पहले भी रिया और जया की लंबी बातचीत हुई थी। जया का नाम सामने आते ही इस केस में एक नया एंगल सामने आया है। खबर है कि ईडी ने जया को तलब किया है। बुधवार रिया की एक चैट सामने आई। इस चैट से खुलासा हुआ कि सुशांत ड्रग्स की चपेट में थे। इसी चैट में जया साहा से भी रिया की बातचीत का खुलासा हुआ है। बता दें कि रिया और जया के बीच हुई ये चैट 25 नवंबर 2019 की है। इसमें जया रिया से कहती है, चाय कॉफ़ी या पानी में 4 बूंद डालो और उसे पीने दो, असर देखने के लिए 30 से 40 मिनट रुको। वाकई में जिस तरह से अब ये केस उलझता जा रहा है और उसमें रिया का नाम कॉमन है, तो ऐसे में ये लग रहा है कि आने वाले वक्त में रिया की मुश्किलें यकीनन बढ़ सकती हैं। इस वीडियो में इतना ही।